अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात बोली थी कि मैंने पद पाया, प्रतिष्ठा पाई और मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन कोई व्यक्ति इस धरती पर रहते हुए कितना हाई क्वालिफाइड हो जाए, कितना बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, कितना बड़ा डॉक्टर बन जाए, लेकिन अगर उसने सत्य को नहीं जाना तो सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज भी याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे तो मैंने अखबार में उनका एक वक्तव्य पढ़ा था जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात बोली थी कि मैंने पद पाया, प्रतिष्ठा पाई और मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन आज भी मैं सत्य को नहीं जानता और मैं अंधकार में भटकता हूं। मैं आपको बता दूं, वाजपेयी बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे और सचमुच उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, भारत के प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन ये व्यक्ति बोलता है सब कुछ मैंने पाया है लेकिन आज भी मैं सत्य को नहीं जानता हूं, मैं अंधकार में भटकता हूं। लेकिन इस मां ने सत्य को जाना और सत्य के पास पहुंची, ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो अंधकार से निकली और सत्य को जान चुकी। और मैं आपको बता दूं, सत्य क्या है इसकी खोज में हमारे देश के महापुरुष भी रहे हैं। जैसे ऋग्वेद के 3 श्लोक हम स्कूलों में, विद्यालयों में दीवारों पर लिखे हुए पढ़ते हैं, लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उसको जानना नहीं चाहते हैं। जैसे लिखा है असतो मा सद्गमय, ऋग्वेद का लिखने वाला विद्वान बोलता है असतो मा सद्गमय, हे ईश्वर मुझे तू असत्य से सत्य की ओर ले चल। ऋग्वेद लिखा है, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, तो भी इस बात को बोलता है मैं असत्य में हूं, मुझे सत्य को बता, मुझे सत्य की ओर ले चल। दूसरा तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे ईश्वर मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चल। विद्वान है, संत है, लेकिन मानता है कि वो अंधकार में है और ज्योति की तरफ पढ़ने के लिए प्रार्थना करता है। 3rd श्लोक हम पढ़ते हैं मृत्योर मा अमरतम गमे, हे ईश्वर मुझे मृत्यु के पश्चात अमर जीवन की ओर ले चल। मृत्यु के पश्चात बात करता है, मौत के बाद जीवन को प्राप्त करने की बात करता है। इसका मतलब मृत्यु के बाद एक जीवन है और मृत्यु के बाद एक मृत्यु भी है। वो जानता है कि मृत्यु के बाद मृत्यु भी है और मृत्यु के बाद एक जीवन है, इसीलिए वो चुनाव करता है, मांगता है कि मुझे मृत्यु के पश्चात
अमर जीवन को दे। और मैं इस माँ के बारे में जो बात बोलना चाहता हूं, ये माँ मृत्यु को पार करके जीवन को पहुंची है, ये मरी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं केवल इसी बात के कारण इस माँ की प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं कि वो मृत्यु के बाद उसने जीवन को प्राप्त किया है, उसने मृत्यु को पार किया और जीवन में पहुंची है। मैं आपको बता दूं, यही सत्य है, यही सफलता है। लोग बड़ी बड़ी सफलताओं की बात करते हैं, लेकिन इस जीवन के बाद उनको क्या मिलेगा? इस मौत के बाद एक मौत खड़ी है और इस जीवन के बाद एक जीवन भी है, और वो जीवन यीशु मसीह में है। जो प्रार्थनाएं हमारे संतों ने किया, उनका जवाब केवल यीशु ने दिया। संतों ने प्रार्थना किया, असतो मा सद्गमे, हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल। और यीशु मसीह बोलता है, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। धर्मशास्त्र बाइबिल बोलता है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह सत्य है। जिसको सत्य को जानना है, उसको यीशु को जानना पड़ेगा। दूसरी प्रार्थना का जवाब भी किसी ने नहीं दिया, केवल यीशु ने दिया। दूसरी प्रार्थना, जमसो मा ज्योतिर्गमे, हे ईश्वर मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चल। और यीशु मसीह बोलता है, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। तीसरी प्रार्थना, मृत्योर मा अमरतम गमे, हे ईश्वर मृत्यु के पश्चात मुझे जीवन को दे। और यीशु मसीह बोलता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। और इस माँ ने यीशु पर विश्वास किया और मरने के बाद इसने जीवन को प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, लोग मरने से डरते हैं, लोग सोचते हैं मरने के बाद क्या होगा। बहुत बड़े अंधकार में दुनिया के लोग हैं, वो नहीं जानते मृत्यु के बाद क्या होगा। लेकिन अगर आपको जानना है मृत्यु के बाद क्या होगा, आपको यीशु को जानना पड़ेगा। और जो यीशु को जानेगा वो मृत्यु को पहुंचेगा ही नहीं, और मृत्यु का भय भी उसके जीवन में होगा ही नहीं। आमीन। इस मृत्यु के बाद एक मृत्यु है। बाइबल में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मौत है। ये मृत्यु जो आती है, ये पाप की मजदूरी है। और बाइबल बोलती है, सबने पाप किया है, इसलिए जगत में जो भी आता है वो मरता है। लेकिन दुख की बात यह है, लोग सोचते हैं मरने के बाद बस यही खत्म हुआ। यही खत्म नहीं हुआ, वो पाप की मजदूरी मरने के बाद भी पीछा करती है। किसका? उस मनुष्य की आत्मा का, जो उसके शरीर में थी। क्योंकि जब शरीर ने पाप किया तो आत्मा ने भी पाप किया, और जब शरीर के ऊपर पाप का दंड मृत्यु है तो आत्मा के ऊपर भी पाप का दंड मृत्यु ही है। और यह मृत्यु उसके पाप के कारण उसका पीछा नहीं छोड़ती है, और
इसके कारण उसको नरक की आग में जाना पड़ता है। हिंदू धर्म शास्त्र भी बोलते हैं कि पापी मनुष्य नरक में जाएगा, और धर्म शास्त्र बाइबिल बोलती है नरक एक ऐसी आग है जो हमेशा जलती रहती है और उसका कीड़ा कभी नहीं मरता। ये आत्मा ये भी कभी नहीं मरती और ये आग ये भी कभी नहीं बुझती, लेकिन वो आत्मा जो नहीं मरती हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में झोंक दी जाती है, क्योंकि उसने पाप किया है। इस नरक की आग से बचना, इसको बोलते हैं नरक की आग में जब आत्मा चली जाती है दूसरी मौत बोलते हैं, दूसरी मृत्यु, जहां मनुष्य की आत्मा नहीं मरती और ये आग भी कभी नहीं बुझती। ये हमेशा हमेशा की सजा है, ये परमेश्वर का क्रोध है एक मनुष्य के ऊपर, क्योंकि उसने जीवन भर पाप किया है। लेकिन इसी नरक की आग से बचना, इसी दूसरी मृत्यु से बचने को बोलते हैं मोक्ष, उद्धार, छुटकारा। और परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के छुटकारे के लिए, हर एक मनुष्य के उद्धार के लिए प्रबंध किया है, और वो प्रबंध बाइबिल में यूहन्ना 3:16 में लिखा है। कोई भी पढ़ेगा इस वचन को, यूहन्ना 3:16, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, यानी के प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। बाइबिल बोलती है यीशु के बारे में कि वो आप ही हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि वो सारे जगत के लोगों के पापों को अपने ऊपर ले और वो क्रूस पर मारा जाए। इस प्रकार से सारी दुनिया के लोगों के पापों की कीमत चुका दे। और लिखा, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, यानी इस दूसरी मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा, नरक में नहीं जाएगा, बल्कि लिखा है वो अनंत जीवन को पाएगा, अमर जीवन को पाएगा, जिसकी डिमांड प्रार्थना में ऋग्वेद के विद्वान ने किया कि मुझे मृत्यु के पश्चात अनंत जीवन को दे, अमर जीवन को दे। वो प्रार्थना यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने सुनी और मनुष्य के लिए अमर जीवन, अनंत जीवन प्राप्त करने का एक प्रबंध कर दिया कि यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है उसको उसने सारी दुनिया के पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर मार डाला, बलिदान कर दिया कि वो जगत के पापों का प्रायश्चित हो जाए। अब जो कोई ये विश्वास करेगा कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसने मेरे पापों को अपनी देह पर लिया और वो मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, लेकिन मैं आपको बता दूं वो मरकर तीसरे दिन जिंदा भी हुआ, तो हम विश्वास करते यीशु ने मेरे पापों को उठा लिया अपनी देह पर, मेरे पापों का प्रायश्चित किया, और वो यीशु तीसरे दिन जी उठा, वो यीशु आज भी जीवित है, क्योंकि लिखा है अनहोना है कि परमेश्वर मरे। इसीलिए वो तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो यीशु आज भी जिंदा है। मैं आपको बता दूं यही सत्य है, कठोर सत्य यही है कि हम मृत्यु के बाद मृत्यु को प्राप्त करेंगे,
या मृत्यु के बाद एक अमर जीवन को प्राप्त करेंगे। अगर अमर जीवन को प्राप्त करना है तो केवल ये विश्वास करना है कि यीशु मेरे पापों को उठाकर क्रूस पर मर गया, यीशु मेरे पापों का प्रायश्चित है, यीशु ने अपने लहू से मेरे पाप धो दिए हैं। और वो यीशु तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो आज भी जिंदा है, वो हमारे गुनाहों को आज भी क्षमा करता है। मैं यही चाहूँगा कि जैसे ये माँ मृत्यु को पार करके जीवन को पहुंची है, यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मृत्यु को पार करके जीवन को पहुंचे, मृत्यु को नहीं। और इसके लिए छोटी सी प्रार्थना आप कर सकते हैं, एक विश्वास कि यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, उसने मेरे पापों की कीमत चुका दी और वो मेरे गुनाहों को आज भी माफ करता है। अगर आप ये विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा और आप भी मृत्यु को पार करके जीवन प्राप्त करने की सामर्थ्य को पाएंगे। आमीन। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।